तो इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में। आज के ब्रेक की बात करें, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज जो छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। इसके लिए जल्द ही कॉलेजों की तरफ से नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इन कॉलेजों को खोलने में 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60% की सहायता भारत सरकार द्वारा की जाएगी। जानकारी के अनुसार नए सत्र में मंडला, शिवपुर, राजगढ़, नीमच, सतना, मंदसौर और सिंगरौली में कुल 7 मेडिकल कॉलेज खुलने की तैयारी है। इन कॉलेजों के भवन तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। तैयारी होने पर नेशनल मेडिकल कमीशन को कॉलेज द्वारा शुरू करने के लिए आवेदन भेजा जाएगा। अगर ये कॉलेज खुलते हैं तो इसके बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 20 हो जाएगी और सीटों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा एमबीबीएस की 1050 सीटें बढ़ जाएंगी। इन कॉलेजों में एमडीएमएस कोर्स शुरू होंगे, जिससे प्रदेश में डॉक्टर की कमी दूर होगी और आमजन को भी बेहतर और जल्द इलाज मिल सकेगा। बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 2035 सीटें हैं। प्रदेश में 9 निजी मेडिकल कॉलेज है और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 1450 सीटें हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।